और दोबारा मैंने ये कोशिश करी ताकि आने वाली नई हमारी जनरेशन कुछ हमसे सीखो और ये तो अंगना बढ़ाते रखो। सुना दीज हम रघु वंश कुमारा। हम यहाँ मुझे तैयार हुए हैं कि आजकल जो जनरेशन जन रही वो भी कुछ सीखो ना, क्योंकि आजकल की जनरेशन मतलब एकदम मोबाइल का भीतर घुस गई। हम क्या सोचना कि हमारा जो आगना है बच्चा चल हम सीखो सीखो। कितना साल बन गया ग्रामीण लोगों ने गाइज़। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। त्रेता युग में भगवान राम ने जो है रामायण की रचना करी थी। भगवान राम ने ऐसी रचना रची कि आज भी कलयुग में जो है उसको स्मरण किया जाता है और लोग जो है आज भी जो है पहाड़ों में या शहरों में जो है रामलीला करते हैं। तो कितना स्मरण करते हैं मेरे पीछे आप देख सकते हो उदाहरण। यहाँ पे जो है रामलीला के पात्रों के रूप में किरदारों के रूप में जो है लोग तैयार हैं। इनमें से राम कौन है? अच्छा, आप जो है भगवान राम के किरदार निभा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये जो है लक्ष्मण के किरदार को निभा रहे हैं और बीच में सीता माता, और जो राम के भक्त हैं वो श्री हनुमान जी। तो इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे हम जानते हैं पहाड़ों में जो रामलीला होती है और कितनी श्रद्धा के साथ जो है ये लोग यहाँ पे जो है भगवान राम को पूजते हैं और भगवान राम की मतलब यहाँ पे रामलीला की जाती है। जो अभी ये रामलीला होनी चाहिए ठीक 22 साल बाद में, ये से पहले मैं राम को पाठ खेलता हूँ और आज ठीक आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद मेरी उम्र 54 साल से, लेकिन मैं भी अभी राम को परम भक्त चाहूँ और दोबारा मैंने ये कोशिश करी ताकि आने वाली नई हमारी जनरेशन कुछ हमसे सीखो और ये तो अंगना बढ़ाते रखो। ये रामलीला जब हमारा ज़माना में होनी ना, तो हम तो मतलब अभी भी अब हमारी उम्र 50 साल होगी, 30 साल सेना बेटी नौकरी करके घर आ गया, लेकिन अभी जब हम तो बोली कि तुम लक्ष्मण का किरदार निभाओ तो अभी भी मतलब हम अपना भी जमीन से ऐ जाएगी। लेकिन हम यहाँ मुझे तैयार हुए हैं कि आजकल जो जनरेशन जन रही वो भी कुछ सीखो, क्योंकि आजकल की जनरेशन मतलब एकदम मोबाइल का भीतर घुस गई, टीवी मोबाइल का भीतर, और ये धार्मिक चीज़ें बिल्कुल ख़त्म जन होने यहाँ वजह से हम बिल्कुल हमारा बड़े भ्राता श्री गौतम पंडित ये भी एक सुबेदार छन और मैं भी एक सुबेदार छूँ, लेकिन फिर भी ये उम्र में भी हम जो है नई जनरेशन की वजह से ये कदम उठाए कि अगले भविष्य में फिर जो आज से 20-22 साल पहले प्रथा से वो प्रचलित हो। जब पहले ना रामलीला होने मतलब बहुत साल पहले तो मतलब दूर दूर गांव बैठे लोग बन चा है ना, ओनली तो ऑन हां कांडा बैठे गणजी बैठे, अब वो चीज थोड़ा ना खत्म होगी लेकिन वो चीज फिर वापस होनी लक्ष्मण तो वापस होनी है ना। पहले टीवी नहीं जा, पहले मोबाइल नहीं जा, तो लोग मुझे मनोरंजन साधन नहीं जो है ना। आज ये डेट में लोग टीवी जन मोबाइल जन तो लोग बिधरे बहर नहीं होने एक कि जान नहीं चने है ना, तो वो टाइम धीरे धीरे वापस से होना कि लोग टीवी और मोबाइल देखिए बोर हो गए है ना। लोग जुदम थे हाँ जी हनुमान जी, आप जो है श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, थोड़ा बताओ जरा भक्ति के बारे में बताओ कि आज भी आपके गांव में जो है रामलीला होती है। 20 साल पहले भी हमने ये काम करे और अगना जो सन हमारे जो पुराना पात्र सन गौतम पंडित जयेंद्र पंडित बहुत खुशी हुए हम थे, हम एक महीना घर में छुट्टी काटे गए हैं, लेकिन तुरंत रामलीला प्रोग्राम बनी सीधा हमार बिल्कुल एकदम इन होगी कि हम नौकरी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हम क्या सोचना कि हमारा जो आगना है बच्चा चल हम सी कुछ सीखो और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हम तय करा सकता। आजकल जो सब गांव में देखा शादी विवाह छन होना कोई प्रोग्राम जो होना तो पहले दारू छन पिलाना ये छन करना, हम इन चाह सोचना कि हम ये प्रोग्राम रख लेते आदमी ये माँ बिजी रह लो
तो वैसे जो धीरे धीरे जो नशा की लत दूसरे बिल्कुल खत्म हो जाए। ये वजह से हम बहुत ही वे वजह से ये रामलीला करना था। हम 57 साल का हो गया। आगे जनरेशन से आपने अपने वाला अपने गांव का विकास का वास्ता, अपना क्षेत्र का विकास का वास्ता ये माम आगने आया। आप गाँव नो चिलेडी ना चिलेडी बढ़ियार के पट्टी बढ़ियारगढ़ में पड़ोगे टीरगढ़वार तो कितना साल बन जाएगा रामलीला होने 22 साल में पात्र में जो राम को अच्छा 22 साल बाद फिर दोबारा में राम को पाठ करना तो कबर तक चनी रामलीला मतलब कि जो तुम्हारे इरादे की कितना साल चलो यो अनिश्चित काल अब रेगुलर चलने से ये हमारे जो अभी हमते और पाठ करने का मौका मिलो हमते देखी देखी जो हमारा बच्चा सन छोटे छोटे सन यूं थे और सीख मिलो और यू रामलीला था अपना बताना था मतलब नई जनरेशन थे विदेश सिखाउट जाना तुम्हें नई पीढ़ी थे ताकि हमते और कोई पार्ट खेलना था मिलो आ रही तो कभी मदद मिल गई कहीं नहीं होने की 14 साल में जो चिर समापन हुई तो आप वही राधु इंच की कंटिन्यू चलो हम ये थे और अच्छे तरह कैसे विधि विधान से रामलीला करने की कोशिश कर ला बेसर सभी जनता को सहयोग और हमारा नई जनरेशन जो बच्चा सब यूँ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज जो आज आप लोग जो वनवास काटी जो अयोध्या जाना आज आखिरी दिन चला मिला कौन द्विज हम रघु वंश कुमारा सोना द्विज हम रघु वंश कुमारा लिखा विधि को मेटन हारा लिखा विधि को मेटन हारा कौशलेश हम दशरथ के जाए कौशलेश दशरथ के जाए पितु वचन मानी बन आए पितु वचन मानी बन आए संग में नारी सिया सुकुमारी सुहाई ले गया निश्च उसे रघुराई बहुत अच्छी बहुत बहुत Thank you.
खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से प्रभु राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। देखिए क्या है इनको उपकार, इनके उपकार में जीवन भर नहीं भूलूंगा। सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का लंका लंका से बजा कर आया, प्रभु राम नाम का लंका लंका से बजा के आया। माता अंजनी की हो, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, देखिए कितना बड़ा उपकार, सबसे बड़ा उपकार इन्होंने किया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो सबकी आशाएं टूट गई थी, सारे बानर सेना वहां पर व्याकुल थी। जब देखा चारों तरफ, राम ने देखा सारे व्याकुल पड़े हैं, अचानक राम की नजर इन पे पड़ी, ये मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। तो राम का थोड़ा हौसला बढ़ा, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ले पवन देव से जाकर ले आया संजीवन बूटी, ले पवन देव से जाकर ले आया संजीवन बूटी, पर्वत को उठाने पर्वत का उठाने वाले बलवान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, जो खेल गए हनुमान के लिए। विभीषण ने जब इनकी भक्ति पे प्रश्न उठाया, ओ चीर कसीना अपना तब राम का दर्श कराया, ओ चीर के दर्शन अपना तब राम का दर्श कराया, दर्श कराने वाले हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। हे पवन पुत्र हनुमान की, हे तारावीर देवता की, हे पंचर देवता की, हे हिंदागण देवता की, हे क्षेत्रपाल देवता की, हे हीत देवता की, हे माँ दुर्गा की, हे धारी देवी की, हे माँ मथुरा की, हे समस्त देवी देवताओं की। Yeah.
सरकारी सकल सभा के नर और नारी